दिवाली के अगले दिन लगेगा सूर्य ग्रहण। ग्रहण का आप पर क्या पड़ेगा असर? ग्रहण के समय क्या करें और क्या ना करें? इस साल की दिवाली बेहद खास है क्योंकि लगभग 2 साल बाद लोग धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। पिछले 2 साल से कोरोना के प्रकोप के बीच लोग घर में रहकर ही त्योहार मना रहे थे, वहीं साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण दिवाली के अगले दिन ही लगने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ऐसा सूर्य ग्रहण करीब 27 साल बाद दोबारा लग रहा है। बता दें कि इससे पहले साल 1995 में भी दिवाली के अगले दिन ही सूर्य ग्रहण पड़ा था। आइए जानते हैं कि आखिर ये सूर्य ग्रहण कब शुरू होगा। दिवाली के अगले दिन लगने वाला सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को शाम 4:29 से शुरू होने वाला है और यह सूर्य ग्रहण 5:42 तक समाप्त होगा। वही सूर्य ग्रहण के सूतक काल की बात करें तो इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल 25 अक्टूबर को सुबह 3:17 से शुरू होगा। वही सूतक काल का समापन 25 अक्टूबर को शाम 5:42 पर होगा। वहीं आपको बता दें कि बिल्कुल ऐसा ही ग्रहण आज से 27 साल पहले 24 अक्टूबर 1995 को लगा था। उस समय भी सूर्य ग्रहण तुला राशि में था और इस बार भी सूर्य ग्रहण इसी राशि में लग रहा है। यह ग्रहण यूरोप, पूर्वोत्तर अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण 1 घंटे तक चलेगा। आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या करना चाहिए? जब सूर्य ग्रहण होता है तब भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाता है। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद लोगों को स्नान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? इस दौरान खाना बनाना और खाना मना होता है। ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के समय लोगों को नहीं सोना चाहिए। ग्रहण के समय कोई चीज काटनी या फिर सिलनी नहीं चाहिए, इसलिए ग्रहण के समय कैची, सुई आदि का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें।